identify dried seminal fluid on handkerchief, which test is best? So, चार ऑप्शन दिए हुए, precipitin, acid phosphatase, barbarios and fluorescence test. So, precipitin और fluorescence तो seminal detection के लिए use ही नहीं होते, ये तो हम अपनी क्लास में भी पढ़ते हैं, ठीक है. तो हमारे पास में कौन कौन से टेस्ट हैं जो सेमिनल डिटेक्शन के लिए यूज होते हैं? एक बारबेरियोज है, एक फ्लोरेंस टेस्ट है, फ्लोरेंस टेस्ट, और एसिड फॉस्फेटेस भी यूज होता है, एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ सीमन भी यूज होता है. यहाँ पर दो दिए हुए हैं, एसिड फॉस्फेटेस एंड बारबेरियोज टेस्ट, बट साथ में हमें क्या दिया हुआ है, इट्स अ ड्राइड सेमिनल फ्लूइड ऑन हैंडकरचीफ, जिसमें एक्सपेक्टेंसी क्या है, एसिड फॉस्फेटेस लेवल्स आर going to be equivocal as the stain becomes old. Acid phosphatase level धीरे धीरे गिरते रहेंगे, right? Although acid phosphatase levels फ्रेश सीमन में बहुत हाई होते हैं, मोर देन 100 बोडेंस की यूनिट, वी कंसिडर इट एट सीमन ओनली, ठीक है. बट ड्राइड स्टेन है, कुछ समय पुराना हो गया, इसमें बेटर टेस्ट क्या रहेगा, टू डू अ बारबेरियोज टेस्ट. बारबेरियोज टेस्ट क्या आइडेंटिफाई करता है, बारबेरियोज टेस्ट आइडेंटिफाइज परमिन पिक्रेट क्रिस्टल्स माइक्रोस्कोपिकली, राइट. तो करेक्ट आंसर इस चॉइस में रहेगा बारबेरियोज